नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेजिंग भारत और मैं हूं शिवानी मिश्रा और आपसे बात करने वाली हूं जीडीपी पर। पिछले एक साल से कोरोना की वजह से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी झेल रही है। विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। भारत भी पिछले एक साल से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और महंगाई भी पिछले एक साल से अपने चरम सीमा पर है। परंतु अब जैसे जैसे कोरोना का प्रकोप कम हो रहा है वैसे वैसे उम्मीद की जा रही है कि अर्थव्यवस्था भी अपनी पटरी पर उतरेगी। जैसे जैसे लॉकडाउन खोला जा रहा है वैसे वैसे उम्मीद की जा रही है अब अर्थव्यवस्था भी हमारी मजबूत होगी। त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसी के बीच एक सबसे अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। इस साल जीएसटी में 1,30,127 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। ये अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल 24% और 2019-20 की तुलना में 36% बढ़ा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह एक अच्छा संकेत है और इससे कुछ हद तक इसका लाभ आम जनता को भी मिलेगा। महंगाई की मार लोगों पर खूब पड़ी है जिससे लोगों को भी आर्थिक हालात भी बहुत बुरी हो गई है। परंतु अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों को महंगाई की मार से काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। धन्यवाद।